नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश हित में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उन सबको धक्या करके पीछे हटाने या फिर जबरदस्ती उनको जेल में डलवाने या मरवा देने तक के प्रोपेगेंडाज स्टार्ट हो चुके हैं और 2024 तक बहुत बड़े बड़े कांड होने वाले हैं, इस बात के अंदेशे अभी से लग चुके हैं। आप सभी लोग भी सावधान रहें और आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली ये कि आपका सनातन सेतु बन करके तैयार हो चुका है और जितने भी हमारे छोटे से लेकर के बड़े बिजनेस, दुकानदार या व्यापार करने में हमारे भाई बहन जो सनातनी है संपूर्ण रूपेण, वो इस पर अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। इन फ्यूचर यही सनातनियों की अपनी येलो बुक होगी जहां से वो अपने सनातनी भाइयों को खोज पाएंगे। दूसरी चीज के सनातन हाट को बने हुए भी एक साल हो चुका है और इसके लिए हमने वहां पर आपको पुस्तकों पर भारी भरकम छूट दी है और खास करके जो हमारे छोटे मंदिर हैं इन पर बहुत ज्यादा बड़ी छूट दी है। आप सभी लोग इनको खरीदें। बल्क में जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए प्राइस काफी कम हो सकते हैं, उसके लिए आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो में। खान सर और धीरेंद्र शास्त्री दो ऐसे लोग हैं जो अब इस्लामिकों के टारगेट पर आ चुके हैं। कारण केवल और केवल एक है कि दोनों के दोनों राष्ट्रभक्त हैं और अपने देश की जनता से अत्यंत प्रेम करते हैं। दोनों के दोनों पत्थरबाजों के खिलाफ हैं और सठे साठ्यम समाचरित की बात करते हैं। सबसे पहले हम खान जीएस के बारे में बात करते हैं। खान जीएस की एक वीडियो शेयर करके कुछ लोगों ने यूट्यूब से इस चैनल के ऊपर घनघोर कड़ी कार्रवाई करने की डिमांड करी है और YouTube ने भी देखो कि तुरंत ही रिप्लाई कर दिया है। आपका हमारा ये चैनल अरसे तक बंद रहा, अरसे तक इसका डिमोनेटाइजेशन करके रखा। हमने खूब सारे ट्वीट करे लेकिन आज तक YouTube ने रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर तो इकोसिस्टम ऐसा है कि भैया YouTube भी तुरंत घुटनों के बला करके रिप्लाई करता है। अब ये बात क्या थी? बात सिर्फ ये थी कि चीन ने किस प्रकार से तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, उसका उदाहरण दे करके कश्मीर को किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए मोदी जी के द्वारा, यह बात बताई जा रही थी। और बताया गया कि जिस प्रकार से 370-35 से यहाँ से हटाई गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे लोगों को डिप्लॉय भी होना चाहिए और वहाँ के लोगों को अलग अलग स्थान पर भेजा जाना चाहिए। यानी कि देश हित में बात करना अब इस देश के अंदर इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि उन्हीं के सबसे ज़्यादा लोग जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं, जो अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं, जो अपने देश से पहले सबसे पहले अपने मजहब इस्लाम को रखते हैं, वही लोग खान सर के पीछे पड़ गए हैं। और उन्होंने कहा कि जो घटित हो रहा है होने दो, लेकिन सबसे पहले इस खान सर के ऊपर बैन लगना चाहिए। अर्थात मामला मजहबी व्यक्ति का नहीं, वह व्यक्ति ही मजहब से खारिज हो गया जिसने इस्लाम से पहले अपने राष्ट्र को, अपने देश को रख लिया है। और खान सर को पहले ही काफी सारे बड़े बड़े मौलाना लोग अपने इस्लाम से खारिज कर चुके हैं, बाहर कर चुके हैं, क्योंकि खान जो है वो हवन भी कर चुके हैं, वो तिलक भी लगा चुके हैं और हर रक्षाबंधन पर तो उनका माथा तिलक के नीचे दिखाई नहीं देता और हाथ भी पूरा पूरा गायब हो जाता है राखियों के नीचे। इस वजह से खान सर से नफरत करने वाले मुस्लिमों की भी कोई कमी नहीं है। ठीक इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ भी चलाया गया था जब उन्होंने ये कह दिया था कि जितने भी पत्थरबाज हैं उनके घरों बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसे लोगों को, यानी कि जो सठ हैं, उनको सठे साठ्यम समाचरेत की भाषा में ही समझाया जाना चाहिए। उसके बाद से आपने देखा होगा कि सब के सब लोग आतंकवादियों, अलगाववादियों, उग्रवादियों के हितैषी बन करके आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे मुंह हाथ पैर धोकर के पड़ गए थे। सारे के सारे न्यूज चैनल्स दानवों के लिए मानवाधिकार की बात करते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही जेल में डालने की बात कर रहे थे। हालांकि देश के अंदर इस प्रकार के कुबुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सनातन इस राष्ट्र का धर्म है। सनातन के अंदर तो आप सभी को पता है जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी आते हैं, लेकिन एक पूर्व भाजपा का सांसद जो भी कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष बनने की बैटिंग उसकी होड़ में शामिल है, हालांकि जब तक गांधी खानदान का कोई व्यक्ति जीवित है ऐसे लोगों के तो पैर की धूल भी नहीं मिलेगी, लेकिन इस शामिल होने के चक्कर में
अलगाववादी विचारधारा के चलते इन्होंने कहा है कि यदि सनातन ही सर्वोपरि है तो जैन बौद्ध सिख आदि कहाँ जाएंगे। हालांकि उसी की शाखाएं हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ना कि लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन स्वयं को मानते नहीं हैं, मानते और सोचते यही हैं कि इनसे बड़ा बुद्धिमान कोई है नहीं। इस प्रकार की विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं, होते रहते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस लड़ाई में एक और मुसलमान कूद गया है। इसने एक वीडियो जारी किया है, इसने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 328 लोगों का धर्मांतरण करवा दिया है। इस वजह से धर्मांतरण विरोधी जो कानून है उसके अंतर्गत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को जेल में डाल देना चाहिए। यानी कि इधर से उधर से आए बाएं दाएं से कोई भी आए, सिर्फ इनको जेल में डाल दो। यही सबसे बड़ी डिमांड है। प्रॉब्लम क्या है अंत में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि इनके पेट में दर्द इतना क्यों है। सबसे पहली बात कि इन लोगों का धर्मांतरण नहीं कराया गया था, इनकी घर वापसी कराई गई थी। और धर्म केवल एक है, वो है सनातन वैदिक धर्म। धर्मांतरण नहीं हुआ था, शुद्धिकरण हुई थी, घर वापसी हुई थी। और अगर होता भी है, हिंदू से किसी में जाता भी है तो उसका मतांतरण होता है। मत, उसका जो मत है वह बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। और उसकी धर्म में वापसी कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसको समझाना चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और धर्म का जो मूल है वो समझाया जाना चाहिए। और यही कार्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया और उसकी घर वापसी करवाई। लेकिन मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि हम टोपी वालों को भी लेकर के आएंगे। तो भाई टोपी वालों में तो सबसे ज़्यादा नेतागण हैं। अभी तो मैं देख रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर के आया अखिलेश यादव से और उसने कहा कि हमारा सबसे पहला जो प्रोपेगेंडा है वो है रामचरितमानस के खिलाफ जनमानस को तैयार करना और उनको ये बताना कि किस प्रकार से जनमानस के खिलाफ है रामचरितमानस। अब ये जितने भी टोपी वाले हैं, हमारे अखिलेश भैया तो कहीं पर भी आते हैं लाल टोपी लगा करके जाते हैं, तो टोपी में केवल और केवल जालीदार टोपी हो ऐसा तो नहीं कहा गया है। हमेशा जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं जालीदार टोपी वालों, हमने टोपी वालों का इस्तेमाल तो किया ही नहीं। टोपी में तो कोई भी हो सकता है, महाराष्ट्र में तो इतने सारे लोग टोपी लगाते हैं। और यही नहीं, टोपी तो इब्राहिमिक रिलीजन में अधिकतर लोग लगाते हैं। खुद हमने चर्च में देखा है कि उनका पोप टोपी लगाता है, तो इसमें किसको काउंट किया जाए? मौलाना, अगर तुम भी अपने कागज़ ढूंढोगे तो तुम्हें भी पता लग जाएगा कि चौथी या पांचवी पीढ़ी में तुम्हारा भी मतांतरण हुआ था और तुम्हारी भी घर वापसी हो सकती है। तुम अभी अंधेरे में हो, अज्ञानता में हो, अभी तुम्हें आभास नहीं है कि तुम कितनी नफरत स्वयं फैला रहे हो। नफरत फैलाने का कार्य एक ही कौम को सौंपा हुआ है और वह है उस किताब के मानने वाले, जिस किताब पर चल करके उन्होंने पिछले 1400 साल में तकरीबन 100 करोड़ लोगों की जान ली है। और इसी नफरत का आगाज करते हुए एक बार फिर से सरतन सजुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या उसको नफरत नहीं मानते हैं? मैं तो देख रहा हूं, चाहे वो रेडियो जॉकी हो, पत्तलकार हो, चाहे इस तरीके के मौलाना हो, हिंदुओं के ऊपर लगातार इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं। जो अपने ऊपर फैलाई गई नफरत को यदि बता दे वो तो नफरत फैला रहा है, लेकिन जो कोई नारे लगा रहा है उसको हम अमन और शांति का पैगाम फैलाने के लिए नोबेल अवार्ड दे दें, उसको भारत रत्न दे दे क्या? या मोदी जी की तरह राम भक्तों पर गोली चलवाने का अवार्ड मुल्ला मुलायम सिंह को जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से सब मौलानाओं को और सरतन सजदा करने वालों को दे दे क्या? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हिंदू करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर उसके खिलाफ नफरत फैल रही है और कोई किताबें हवा हवाई आधे से ज़्यादा अपनी आयतें लेकर के पहले ही बैठी हुई है कि भैया हिंदू वाजिबुल कत्ल है और उसको मारा भी जा रहा हो, और हिंदू ये कहने लग जाए कि देखो भाई इस किताब में ये बात लिखी हुई है, तो मौलाना तो हमें ही नफरत उगलने वाला बता देगा। क्योंकि उसकी किताब में लिखा है कि अगर कोई मुझे एक्सपोज करने लग जाए तो उसके ऊपर ही शांति भंग करने का आरोप लगा करके उसका कत्ल कर दो। और यही चीज आज के दौर में चल रही है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर इनको भी पद्मश्री मिल ही जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्या आप लोगों का सपोर्ट आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और खान जीएस जैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो कोर राष्ट्रभक्ति के लिए कार्य करते हैं, क्या उनके साथ में है? अगर है तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ झाला लगता है तो वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।